प्रधानमंत्री पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना पर पलीता लगाने वालों पर कानून के रखवाले ही ढिलाई बरत रहे हैं। दरअसल मामला हैंसर ब्लॉक क्षेत्र के डेबरी गांव का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ डरा धमका कर पैसे वसूलने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीडीओ ने कार्रवाई के आदेश भी दिया। बावजूद इसके आरोपी प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ आवास का मामला है, तीन लोग का मतलब आवास का मामला, उमा देवी, सीता देवी और ज्ञान में थी। तीनों लोग से ग्राम प्रधान ने पहला किस्त 40,000 आया तो उसमें 10,000 ले लिए, फिर दूसरा किस्त आया पहले दूसरा किस्त रुकवा दिए, मतलब अगर नहीं दोगे पैसा तो आपका किस्त रुक जाएगा। फिर उसके बाद आए सीडीओ साहब के यहाँ नोटरी बयान नोटरी शपथ पत्र पर सब लोग बयान दिए सीडीओ साहब ने, उन्होंने कहा वीडियो ने FIR प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की, FIR दर्ज अभी तक नहीं हुआ। ये लोग आई थी, शिकायतें थी ग्राम प्रधान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपए लेने हैं, और हमारे सामने इन्होंने शपथ पत्र दिया था और मैंने उसको पुष्ट भी किया था। उसके आधार पर मैंने खंड विकास अधिकारी को एक पत्र भिजवा दिया था कि दोषी ग्राम प्रधान के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराऊँ। ग्राम प्रधान खंड विकास अधिकारी ने थाना अध्यक्ष धनघटा को लिख भी दिया था कि FIR करने के लिए, लेकिन उन्होंने FIR न करके उसकी विवेचना किया। बता दें कि जिले में वसूली के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संत कबीर नगर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।